चैनल के सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें आरके ट्रेडिंग चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों चलिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करते हैं। ऐसे तो एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे लोगों को सारा लेवल पता ही हो चुका होगा। अब तक सारे लेवल्स धराशायी हो चुके हैं निफ्टी के, और निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स हैं मैक्सिमम स्टॉक्स के सारे लेवल धराशायी हो चुके हैं। लेकिन चूंकि अपना काम है तो अपना काम को कंटिन्यू करते रहना है, अपने चार्ट को कंटिन्यू रीड करते रहना है। मार्केट कहीं जाए कुछ जाए कैसा भी हो, हम लोग को अपना चार्ट रीडिंग नहीं छोड़ना है, ये हैबिट बना के रखना है हम लोगों को, है ना। तो चलिए हम उसके लिए, इसे हमें सारे लेवल्स याद रहते हैं और ट्रेड लेने में आसानी होता है। आज जैसा कि आप लोग को पता है कि ट्रेड करते करते मार्केट अचानक से बहुत ही ख़राब हो गया, तो मैंने ट्रेडिंग बंद करके, जो भी ट्रेड था उसे बंद करके मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाया पोर्टफोलियो ट्रैकर का। आप लोग उसको देख सकते हैं जाके, पोर्टफोलियो ट्रैकर का वन क्लिक पे आप एवरीथिंग चेक कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में अपने पूरे पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं, पूरे वॉच लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाने लगा, सोचा कि ट्रेड करने से ज़्यादा अच्छा है मैं कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन काम की जानकारी का वीडियो बना दूं। तो मैंने वो वीडियो बना के डाल दिया उसी दरमियान लगभग 11-12 बजे, तो आप लोग वो देख सकते हैं जाके। तो चलिए हम लोग निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करते हैं। तो पहले पता है आप लोगों को अडानी पोर्ट है हमारे लिस्ट में। अडानी पोर्ट जैसा मैं बार बार कहता, जब तक ये ऊपर 395 ना निकाले और नीचे 360 को नहीं निकाले हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये देखिए 395 को तो गोली मारिए, ये 360 को ऐसा तोड़ा है कि सीधा सीधी नीचे आ गया है 340 की तरफ, है ना। अब ये नीचे की ओर इसके नया लेवल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 330 का और 320 का। ये दो लेवल अब क्लियर कट सामने में दिख रहा है। तो अगर आप लोगों के पास किसी के पास पोजिशन है तो बिल्कुल 355 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए 320 के टारगेट के लिए, ठीक है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों अमारा राजा बैटरी। अमारा राजा बैटरी बिल्कुल उसी जो भयानक गिरावट हुई थी मार्केट में 21 तारीख को, उस दिन इसने अपने ट्रेंड, तो अमारा राजा बैटरी देख रहे हैं अपने बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दिया है। और आज उसने बिल्कुल ना ऊपर गया ना नीचे गया, बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड करता रहा कंटिन्यू। अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पर आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए हमारा राजा कंटिन्यू एक ही 10 मिनट का ये चार्ट है, एक ही कैंडल के अंदर में ये ट्रेड दिन भर करता रहा। और इसका डेली का चार्ट देखिए, बिल्कुल इसने बॉडी तो बनाया नहीं, बिल्कुल वीक बना के छोड़ दिया। तो अभी हम लोग हमारा राजा से बिल्कुल दूर रहेंगे, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है अभी ट्रेड करने का। तीसरा स्टॉक है दोस्तों बजाज ऑटो का। देखिए बजाज ऑटो जो है हमेशा डरवास बॉक्स बनाता है, एक डरवास बॉक्स से निकल के दूसरे में जाता है, फिर निकल के तीसरे में आ जाता है। देखिए वापस उसी रेंज में आ चुका है। तो जब तक ये स्टॉक बजाज ऑटो इस डब्बे, इस दोनों में से किसी डब्बे के अंदर रहेगा हम लोग को कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो जब तक ये ऊपर क्लियर कर 2935 का क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। और नीचे जब तक 2600 का ब्रेक डाउन ना दे दे हम लोग कोई भी इसमें ट्रेड नहीं करेंगे बजाज ऑटो में। हाँ, इंट्राडे में अगर आपको छोटे छोटे मूवमेंट को कैच करना हो तो आप बिल्कुल प्ले कर सकते हैं इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। दोस्तों भारतीय एयरटेल, सारे स्टॉक की तरह इसने भी अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, सपोर्ट को तोड़ दिया, नीचे क्लोजिंग दिया है। और क्लोजिंग देने के बाद कंटिन्यू वहीं पे ये ट्रेड कर रहा है। अब इसका जो सपोर्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए अब जब तक स्टॉक इसके ऊपर है तब तो कोई बात नहीं है, 350 के ऊपर जब तक स्टॉक, 355 के ऊपर स्टॉक जब तक है कोई बात नहीं। अगर ये अगले ट्रेडिंग सेशन में 352-353 को क्लोज कर देता है, तोड़ देता है, तो फिर हमारे लिए इसका नीचे का टारगेट 340 का ओपन हो जाएगा। फिर आप इसको शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं अगर ये 352 को तोड़ देता है तो। ऊपर की ओर कोई भी लेवल नहीं है दोस्तों, अगर इसे बाउंस बैक लेना होगा तो ये सही जगह है बाउंस बैक लेने के लिए, यहीं पर से ये एक बाउंस बैक ले सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों बायोकॉन का। देखिए बायोकॉन बिल्कुल अपना टाइम बिता रहा है उसी जगह पर, अपने 52 वीक हाई के आसपास बार बार जाके टाइम बिता रहा है राउंडिंग बॉटम पैटर्न को डेवलप करके, और बाकी तो कुछ ये कर नहीं रहा है खास, ये एक पैटर्न बना रहा है और उसी के आसपास जाके ये बार बार ये क्लोज कर रहा है। तो अब हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ये 695 के ऊपर ब्रेक ना करे तब तक हम लोग को इसमें बाय पोजिशन नहीं बनाना है। जब तक 695 के ऊपर
ट्रेड करना शुरू ना करें, हम लोग को बिल्कुल उनसे लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है, और नीचे की ओर जब तक ये 650 को ब्रेक ना कर दे हम लोग को इसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना, ये ध्यान रहेगा हम लोग को बायोकॉन का लेवल के लिए। ठीक है, अगला स्टॉक है दोस्तों कोलगेट का, बिल्कुल दूर रहना है इससे जब तक कि ये 1070 को ब्रेक ना कर दे नीचे की तरफ, तब तक दूर रहना, ऊपर की ओर कोई भी क्लियर पैटर्न नहीं बना हुआ है इसमें। अगला स्टॉक है दोस्तों DHFL का, जो कि हमको करना ही नहीं है एनालिसिस, अभी जो स्टॉक 150 पॉइंट, 200 200 300 300 पॉइंट का मूव एक दिन में कर दे रहा है परसेंट का, बिल्कुल उससे दूर रहिए, अभी DHFL को देखना भी नहीं है गलती से, ठीक है ना, तो हम लोग DHFL से दूर रहेंगे। डिवीज लैब देखिए, ये अगला स्टॉक है डिवीज लैब का, डिवीज लैब बिल्कुल ऊपर जाके हैमर पैटर्न बनाया और उसके बाद कंटिन्यू ये नीचे आ रहा है, तो अभी हम लोग को डिवीज लैब ऊपर जब तक ये 1410 को ब्रेक ना करता है तब तक हम लोग को इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है डिवीज लैब में। ठीक है, और नीचे की ओर जब तक ये 1330 को ब्रेक ना करे। अगला स्टॉक है दोस्तों डॉक्टर रेड्डी का, जिस तरह डिवीज लैब ने बिल्कुल अपने आसपास क्लोजिंग कर रहा है ऊपर, उसी तरह डॉक्टर रेड्डी भी अपने 52 वीक हाई के आसपास कंटिन्यू ट्रेड करते हुए वहीं पर क्लोजिंग कर रहा है पिछले 10 दिनों से, देखिए ये एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो जब तक डॉक्टर रेड्डी 2650 की तरफ ब्रेक ना करे ऊपर और नीचे जब तक 2500 को ब्रेक ना करे हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे डॉक्टर रेड्डी में, ये इंपॉर्टेंट लेवल है डॉक्टर रेड्डी का। दोस्तों अगला स्टॉक है हीरो मोटो कॉर्प का, देखिए जिस तरह मैंने बजाज ऑटो को बोला था इसी तरह इसमें भी बोल रहा हूँ, पर इसमें एक खास बात यह है कि इसने इस बॉक्स को ब्रेक तो कर दिया, ब्रेक करने के बाद अपना एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया और उस पैटर्न के लो साइड में, उस पैटर्न के ठीक लो साइड में आके इसने क्लोजिंग दिया है, तो हो सकता है अगले ट्रेडिंग सेशन में ये एक अच्छा मूव हम लोग को दिखा सके हीरो मोटो कॉर्प, तो हम लोग हीरो मोटो पे नजर रखेंगे दोस्तों। अगर ये 3100 को ब्रेक कर देता है, अगर ध्यान से सुनिए, अगर ये 3100 को ब्रेक कर देता है तो हम लोग बिल्कुल इसको 3050 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं इंट्राडे भी, और इसमें आप शॉर्ट पोजिशन भी बना सकते हैं अगर ये 3100 को ब्रेक कर देता है तो। अगला स्टॉक है दोस्तों हीरो मोट हेक्सावेयर का, सॉरी हेक्सावेयर का, तो अभी हेक्सावेयर में कोई क्लियर पैटर्न नहीं है दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इसे जरूर है, मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा सा ट्रेंड लाइन का इसे सपोर्ट है, अभी जब तक इस ट्रेंड लाइन पर है तब तक इसको रहने दीजिए और जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे हम लोग कोई भी पोजिशन अभी इसमें नहीं बनाएंगे, तो ऊपर की ओर जब तक ये 460 को ब्रेक ना करे 455 को तब तक हम लोग कोई पोजिशन नहीं बनाएंगे, और नीचे जब तक 437 को ब्रेक ना करे हम लोग कोई शॉर्ट पोजिशन नहीं बनाएंगे हेक्सावेयर में। ठीक है, हिंद यूनिलीवर आज ये अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा था, फिर अचानक पता नहीं इसको क्या हुआ, बहुत गिरावट आ गया मार्केट के साथ साथ ये भी गिरने लगा, पर शुरू में इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया था हिंद यूनिलीवर ने, तो हम लोग दोस्तों अभी हिंद यूनिलीवर से बिल्कुल भी दूर रहेंगे, क्यों, क्योंकि उसी फिर से ये वापस उसी रेंज में आ गया, तो ऊपर जब तक ये 1650-45 ब्रेक ना करे और नीचे जब तक 1580 ब्रेक ना करे हम लोग कोई भी पोजिशन इसमें नहीं बनाएंगे। अगला स्टॉक है दोस्तों आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, देखिए इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अब कंटिन्यू नीचे ही आ रहा है धीरे धीरे करके, जो इसका मैंने बोला था कि अगर ये 1120 को ब्रेक कर देता है तो बहुत तेजी के साथ आएगा 1000 की टारगेट की तरफ, तो देखिए इसने 1000 का टारगेट तो अचीव आज ही कर तो दिया था इसने 21 तारीख को ही, पर मैं उसे मानूंगा नहीं क्योंकि वो पैनिक सेलिंग था, और ये आपको आ गया है 11000 की तरफ। ठीक है, तो 11000 का टारगेट ये अचीव कर चुका है हम लोगों का। इंफोसिस देखिए, अभी जो भी मार्केट में सिर्फ दो ही सेक्टर सही मूवमेंट कर पा रहे हैं, एक है फार्मा का, दूसरा है आईटी का। ठीक है, आईटी भी इसलिए परफॉर्म कर पा रहा है मेरे ख्याल से, मैं उतना बड़ा एनालिस्ट तो नहीं हूं, पर मेरा मोटा बुद्धि के हिसाब से मैं यही कह पा रहा हूं कि जब तक रुपया मजबूत बना हुआ है, कमजोर बना हुआ है, तब तक फार्मा सेक्टर, जब आईटी सेक्टर, जब तक रुपया में बढ़ोतरी होती रहेगी आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर बढ़ता रहेगा, रुपया जिस दिन डॉलर के मुकाबले रुपया जिस दिन बढ़ना रुक जाएगा ये सेक्टर गिरना शुरू हो जाएगा, तो जब जब रुपया बढ़ता है डॉलर के मुकाबले ये फार्मा और आईटी भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट जो है FII करते हैं, जो विदेशी निवेशक करते हैं जो डॉलर के हिसाब से काम करते हैं, तो अभी सबसे अच्छा आईटी और फार्मा सेक्टर ही वर्क कर रहा है, तो उसमें भी आज इंफोसिस ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया है, तो इंफोसिस को एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है नीचे की तरफ, आप यहाँ देख लीजिए उसी ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट करके चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो जब तक इंफोसिस 700 के ऊपर बना हुआ डरने की बात नहीं है, जब तक 700 के ऊपर बना हुआ कोई बात नहीं है, तो अगर ये 700 को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा अगला टारगेट इसका खुल जाएगा 680 रुपए का दोस्तों। ठीक है, तो जब तक 700 के ऊपर है तब तक कोई बात इसमें नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है इसमें। अगला स्टॉक है दोस्तों JSW स्टील ने, JSW स्टील बिल्कुल अपने देखिए 52 वीक हाई के आसपास 2 दिन कंटिन्यू 3 दिन
ट्रेड करता रहा, अब नीचे धीरे धीरे आना शुरू कर रहा है, तो स्टॉक बिल्कुल एक रेंज में फंस के ट्रेड कर रहा है कुछ दिनों से। जहां तक आपको मैं दिखा देता हूँ ड्रॉ करके, ये देखिए ऊपर अभी भी इसका 415, जब तक ये ब्रेक ना करता है तब तक हम कोई लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाएंगे, और नीचे जब तक ये 385 ब्रेक ना करे हम लोग कोई शॉर्ट पोजिशन नहीं बनाएंगे जेएसडब्ल्यू स्टील में। जस्ट डायल इस पर तो मैंने एक अलग वीडियो ही बना के डाल दिया था दोस्तों, तो आप चाहें तो उसको पूरा देख सकते हैं। जस्ट डायल, जस्ट डायल में अभी भी हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे इंट्राडे में, और ना ही अभी इसमें हम लोग को कोई पोजिशन बनाना है, ठीक है। लुपिन अगला स्टॉक है दोस्तों, देखिए लुपिन कंटिन्यू ऊपर, इसने एक स्प्रिंग टॉप टाइप का कैंडल बनाया और उसके बाद कंटिन्यू नीचे आता रहा, कंटिन्यू नीचे आता रहा और अभी भी आ ही रहा है। तो अभी हम लोग लुपिन से बिल्कुल दूर रहेंगे, इसमें भी कोई भी क्लियर पैटर्न नहीं है ट्रेड करने लायक। अगला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, इसका तो कैंडल देख के ही डर लग रहा है हम लोगों को, तो हम लोग बिल्कुल महिंद्रा एंड महिंद्रा से भी दूर रहेंगे। कोई बिल्कुल एकदम आज पता नहीं क्या हुआ, बहुत तेज से गिरा, बहुत तेजी के साथ इसने गिरावट दिखाया अपना और आके क्लोजिंग किया 896 के आसपास। तो अभी हम लोग इस स्टॉक से दूर रहेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा से, इसमें कोई भी क्लियर पैटर्न नहीं है तब तक जब तक ये 940 को ब्रेक ना करे ऊपर की तरफ। अगला स्टॉक दोस्तों मैकडेवल का, देखिए मैकडेवल जो मैंने यहाँ पे आप लोग को ये इस पे बताया था इवनिंग स्टार कैंडल का, उसका उसके बाद से कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है अभी भी, और अभी भी इसका ये नीचे की तरफ है। तो अभी अगर ये 500 को ब्रेक कर देता है तो बहुत तेजी के साथ 480 की तरफ भागना शुरू कर जाएगा ये स्टॉक, ठीक है। ऊपर की तरफ तो कोई लेवल अभी इसका नहीं दिख रहा है जब तक ये 555 के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक। अगला स्टॉक दोस्तों पीवीआर का, देखिए पीवीआर को जो मजबूत रेजिस्ट सपोर्ट था स्टैंड लाइन का, उस स्टैंड लाइन को इसने तोड़ के क्लोजिंग दिया है नीचे की ओर। तो अब पीवीआर का जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है निकल के, वो निकल के आ रहा है दोस्तों 1250 रुपए का। तो हम लोग इसमें अगर कल या जब भी ट्रेडिंग सेशन में ये अपना आज के लो के नीचे यानी कि 1280 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो हम लोग 1250 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं पीवीआर को। अगला स्टॉक है दोस्तों रिलायंस का, देखिए रिलायंस ने कंटिन्यू 52 वीक हाई बनाता हुआ चल रहा था रिलायंस, और आने के बाद वहां से गिराने के बाद ये जो हाई बनाया इसने 29 तारीख को बनाया था, 29 सितंबर को, उसके बाद से ये कंटिन्यू 5 से 10 दिन मान के चलते 10 दिन एक रेंज में ट्रेड करता रहा, और आज भी अभी भी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो रिलायंस को अगर पोजिशन बनाना होगा तो हम लोग 1285 रुपए के ऊपर बनाएंगे, और लॉन्ग पोजिशन और शॉर्ट पोजिशन अगर बनाना होगा तो 1200 के नीचे बनाएंगे। सरकार स्टार फार्मा सेक्टर की कंपनी है, और भी बिल्कुल हम लोगों को जो है देखिए स्टार बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास आके यहाँ जो सपोर्ट है उसी के पास क्लोज कर रहा है और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है, अभी हम लोग स्टार से दूर रहेंगे। अगर ये 460 को ब्रेक करता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तो बिल्कुल आप प्ले कर सकते हैं 440 के टारगेट के लिए, और ऊपर की ओर जब तक ये 510 ब्रेक ना करे हम लोग को कोई पोजिशन नहीं बनाना है। अगला स्टॉक दोस्तों सन फार्मा का, सन फार्मा बिल्कुल उसी स्टार की तरह ये भी एक रेंज में है, पर इसमें खास बात यह है कि ये एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना रहा है। हम लोग मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ वो किस टाइप का पैटर्न है, यहाँ पर राउंडिंग टॉप पैटर्न जिसमें हमारे लिए कुछ मूवमेंट बन सकता है, यहाँ है आपका राउंडिंग टॉप पैटर्न, ठीक है। तो हम लोग फार्मा को याद रखेंगे, सन फार्मा को अगर ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 619 को ब्रेक कर देता है, 619 को ब्रेक कर देता है तो हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं 600 के टारगेट के लिए। सन टीवी अगला स्टॉक दोस्तों सन टीवी का, देखिए सन टीवी जो का जो ये सपोर्ट आ रहा था उसको इसने ब्रेक कर दिया है और कंटिन्यू नीचे की ओर चलता चला जा रहा है। तो हम लोग अभी सन टीवी में कोई नीचे की ओर अगर ये 620 को ब्रेक कर देता है कल तो हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं 600 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक दोस्तों टाटा स्टील का, जब तक टाटा स्टील को मैंने कहा था 620 के ऊपर बना हुआ कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, अब इसने 620 के नीचे क्लोजिंग दिया 607 के ऊपर। इसका 200 डीएमए का सपोर्ट जो आता है वो निकल के आता है 598 रुपए का, स्टॉक अभी भी 200 डीएमए के ऊपर है। तो अभी भी स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छे जगह पर है। हाँ अगर ये 595 को ब्रेक कर देता है, अगर ये स्टॉक 595 को ब्रेक करता है तो जिसके पास भी पोजिशन है वो कृपया कर अपनी पोजिशन को काट दे यहाँ पर से, क्योंकि उसके बाद स्टॉक फिर जो है आने लगेगा 570 के तरफ। टीसीएस हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये अकेला आज स्टॉक था फार्मा सेक्टर आईटी सेक्टर में जो काफी बुलिश था, पर इसके साथ एक निगेटिव चीज है दोस्तों वो कि आज इसने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाया पर आसन इसने वॉल्यूम जनरेट नहीं किया, ठीक है। देखिए सेम यहाँ अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो 11 अगस्त
हाँ 11 जून, जुलाई 11 जुलाई 2018 को सेम इतनी ही बड़ी कैंडल बनी थी। देख रहे हैं, ये कैंडल मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, एरो लगा देता हूँ ताकि आप लोग बढ़िया से समझ के। ये देखिए, ये 11 अगस्त की कैंडल है ना, 11 जुलाई की कैंडल है और ये आज की कैंडल है। दोनों कैंडल की बराबर है, एक बराबर है ना लगभग। और पर इस कैंडल में, 11 जुलाई वाले कैंडल में जो इसका वॉल्यूम है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, पर आज के कैंडल में वॉल्यूम ही जनरेट नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कल कल ये हो सकता है स्टॉक थोड़ा अपने आप को करेक्ट करे, स्टॉक हो सकता है थोड़ा करेक्ट करे। लेकिन अगर स्टॉक 2210 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो फिर ये बुलिश जोन में चला जाएगा और नए 52 वीक हाई को बनाएगा। लेकिन जब तक स्टॉक नए 52 वीक हाई को बनाएगा, टेक महिंद्रा हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों, टेक महिंद्रा। देखिए, टेक महिंद्रा में अभी कोई भी क्लियर पैटर्न नहीं है, इसलिए हम लोग भी टेक महिंद्रा से दूर रहेंगे। अगला स्टॉक दोस्तों चल रहा है टाइटन का, मैं सब चार्ट को हटा दूं पहले। हाँ, टाइटन पे तो मैंने एक वीडियो भी बना के डाल दिया था, स्टॉक्स फॉर द वीक के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो जब तक टाइटन 780 के नीचे क्लोज ना करे, इसमें आप लोग कोई भी पोजीशन ना बनाए। हाँ, जब तक अगर 780 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो आप बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन। वेदांता अगला देखिए, वेदांता कंटिन्यू कहीं जाने रहा, ना ऊपर ना नीचे, इस ट्रायंगल पैटर्न को कहीं ब्रेक नहीं कर रहा। अब मैं इस ट्रायंगल पैटर्न को थोड़ा इस तरह से बना देता हूँ। तो अब इस ट्रायंगल पैटर्न को जब तक ये ब्रेक ना करे ऊपर की, और जब तक 240 ब्रेक ना करे और नीचे की, और जब तक 218 को ब्रेक ना करे, हम लोग कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे टेक महिंद्रा में। अगला स्टॉक है दोस्तों वोल्टास का। देखिए, वोल्टास में कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। अगर वोल्टास 560 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो आप बिल्कुल शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं 545 के टारगेट के लिए। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक आएगा एशियन पेंट का, ठीक है, एशियन पेंट का स्टॉक आ रहा है। नेट प्रॉब्लम हो गया, हाँ आ गया एशियन पेंट। देखिए, एशियन पेंट बिल्कुल अपने 52 वीक हाई, सॉरी, एशियन पेंट बिल्कुल अपने 200 DMA के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। तो यहाँ पे एशियन पेंट में एक सपोर्ट है इसके पास 1253 रुपए का। अगर ये 1250 ब्रेक कर देता है, अगर ये 1250 ब्रेक करता है बहुत तेजी के साथ, फिर आपको ये 1240 और 1220 का टारगेट दिखा देगा तुरंत से। ओरो फार्मा एकदम बहुत अच्छा 52 वीक हाई बनाया, बहुत सारा प्रॉफिट बना के दिया, और अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है 700 के टारगेट के लिए नीचे की तरफ। तो हम लोग अभी इसमें कोई भी पोजीशन नहीं, नया पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो बिल्कुल बने रहिए 780 के स्टॉप लॉस के साथ। बाटा इंडिया, देखिए बाटा इंडिया बिल्कुल नीचे की तरफ आता है, ये इसको बाउंस बैक लेना होगा अगर, तो बिल्कुल सही जगह पे आके खड़ा है बाउंस बैक लेने के लिए। अगर इसको बाउंस बैक लेना होगा तो बिल्कुल सही जगह है बाउंस बैक लेने के लिए। अगर स्टॉक 986 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो बिल्कुल आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना लीजिए 1000 के टारगेट के लिए और 1020 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर स्टॉक 940 को ब्रेक कर देता है, अगर स्टॉक 940 को ब्रेक करता है तो बिल्कुल इससे निकलिए और नीचे की तरफ शॉर्ट पोजिशन बना लीजिए फिर अगले टारगेट 900 के लिए। अगला स्टॉक है दोस्तों भारती एयरटेल का, ठीक है, भारती, सॉरी, भारती फाइनेंस का, ठीक है, भारती फाइनेंस का अगला स्टॉक है। 200 DMA को तोड़ा इसने 21 तारीख को, 200 DMA को तोड़ा 21 तारीख को, आज उसके नीचे दिन भर कंटिन्यू दिन भर ट्रेड करता रहा, तो स्टॉक हो चुका है वीक कमजोर। तो अभी हम लोग इसमें बिल्कुल भी कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसे बाउंस बैक लेना होगा तो यही जगह है बाउंस बैक लिए। अगर ये बाउंस बैक नहीं लेता है और 1025 के नीचे ट्रेड करने लगता है, 1025 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर ये इसका अगला टारगेट खुल जाएगा 1000 का। बीपीसीएल, बीपीसीएल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीपीसीएल अभी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर किसी के पास पोजीशन है तो बिल्कुल 348 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। गोदरेज इंडस्ट्रीज, देखिए गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपना एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकडाउन दिया, सॉरी, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया और कंटिन्यू उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल गोदरेज इंडस्ट्रीज में 510 के टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट किया है 560 के लेवल पे तो बिल्कुल बने रह सकते हैं 560 के स्टॉप लॉस के साथ। इंफ्राटेल, इंफ्राटेल में अभी कोई भी पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे, कोई क्लियर पैटर्न नहीं है इंफ्राटेल में। अगला स्टॉक है दोस्तों जिंदल स्टील का। देखिए जिंदल स्टील बिल्कुल अपने उसी जिस तरह से वेदांता, सेम चार्ट जिंदल स्टील का। तो अब हम लोग जिंदल स्टील को इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है, इसका कुछ अब ऐसा बन जाएगा। तो जब तक ये ऊपर 245 ब्रेक ना करे हम लोग कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, और नीचे की ओर जब तक 209 को ब्रेक ना करे कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे।
अगला स्टॉक है दोस्तों जुबलियन फूड का। जुबलियन फूड एकदम सपोर्ट पे आके खड़ा है, बाउंस बैक लेने के लिए तैयार है। अगर ये बाउंस बैक ले लेता है यहाँ से तो यही जगह है इसको बाउंस बैक लेने के लिए, वरना अगर यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया 1250 को तो फिर नीचे आ जाएगा सीधा सीधी 1200 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का। कोई भी क्लियर पैटर्न नहीं है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में, तो भी इससे दूर रहेंगे। अगला और अंतिम स्टॉक है दोस्तों पीडी लाइट का। तो देखिए पीडी लाइट बिल्कुल अपने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना के चल रहा है कंटिन्यू, जब तक उस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है पीडी लाइट में घबराने की कोई बात नहीं। हाँ अगर ये पीडी लाइट 1080 को ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल इससे निकल जाइए, क्योंकि ये फिर नीचे का टारगेट दिखा देगा 1040 का ऊपर की, और जब तक ये 1150 को ब्रेक ना करे हम लोग कोई भी लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों ये थे निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक की एनालिसिस। अगर आप लोग को एनालिसिस पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।